हाँ बेटा, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आ गया सुन? आज हम पढ़े जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने पूर्ण और कंटिन्यू माने जा रहना, यानी कि भविष्य काल में कार्य पूरा होते हुए जारी होता है, इट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय या समय का भाव होगा। नियम आपको कक्षा छह से सटा हुआ है, आई और वी के साथ सेल हैड बीन, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ विल हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, निश्चित समय पहले सेंस, निश्चित समय पहले फॉर्म। ये तो आप कक्षा छह से पढ़े, तो ये नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान इंसान ने बनाया, तो जिसने बनाया उसने लगाया दिमाग, वही दिमाग समझाना है। सब कुछ पढ़ा चुके, एक बार देख लो फिर। एक पॉइंट लिखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, कार्य को परफेक्शन ब्रैकेट में पूर्णता, कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। पीछे भी नोट कराया था सब। एक पॉइंट आज अंतिम बार लिख लो, नंबर दो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए, कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। हो गया? अच्छा बताओ बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है? हा? तीन। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। बोलो बेटा, एक्जिलीज माने क्या होता है? सहायक क्रियाएं। कई होती है दो, प्राइमरी एक्जिलीज और मॉडल एक्जिलीज। प्राइमरी एक्जिलीज माने प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्जिलीज। कई होते हैं तीन, कौन कौन से? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। वर्ब है, इनकी तीन फॉर्में हैं, डू, डिड, डन, बी, 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 हैव, हैड, हैड। अब हम एक वाक्य लेंगे और ये सूत्र सिद्ध करेंगे जो आपके सामने लिखा है। यह वाक्य, मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा। बताइए पहले कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब, फ्यूचर टेंस बनाना आपको पता है। लेकिन कल हमने पढ़ा था, कल मतलब इसके पहले एपिसोड में पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें चूंकि गा को हटा करके क्या किया था, थोड़ा वाक्य की रचना कर ली थी। जैसे पाइथागोरस की प्रमेय जब सिद्ध करनी होती है तो समकोण त्रिभुज बनाते हो और उसके बाद रचना, उसमें एक हेडिंग होती है, रचना कर लेते हो ना, तो वही रचना करना।
फ्यूचर परफेक्ट में रचना क्या करनी है समझो, फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा चुकेगी को हटाकर हुआ रखेगा हुआ रखेगी क्या था याद है? आज बताइए फ्यूचर परफेक्ट है कि नहीं? थोड़ा पहले फ्यूचर परफेक्ट है कॉन्टिन्यूस तो बात की बात है, यानी कि जो काम इसके पिछले एपिसोड में किया वही यहां कर लो काम खत्म। क्या हुआ? होगा को हटा करके लिख रहा हुआ रखेगा बस। अब आपको कुछ नहीं करना, आप बोलिए सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप टन 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 बोलिए बोलो सबसे पहले क्या लिखे मोहन, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप गई गा गई के वही बताई थी सर और वेल, बताइए यहां क्या लगा वेल। अब वहां देखो गा गई की किसमें लगा हुआ रखने में वेल, यह वर्ब है घोड़ा क्या आती है वर्ब है, एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी इन्फिनिटिव, तो रखना की अंग्रेजी हैव का इन्फिनिटिव ना होगा, टू है लेकिन टू का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा क्यों, क्योंकि यह कौन सी क्रिया मॉडल एक्चुअली डिफेक्टिव वर्ब, यह कार्य नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती क्या करेगी मदद करेगी, मदद करेगी किसकी करेगी अपनी जात की करेगी, बीच में कोई बाधा है उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। मोहन विल गो, मोहन विल प्ले, मोहन विल सिंग, मोहन विल डांस, मोहन विल डू, मोहन विल बी, मोहन विल हैव, कौन सा टर्म्स है फ्यूचर टर्म्स। मोहन विल हैव ए कार, मोहन विल हैव ए बुक, मोहन विल हैव ए पेन, अभी ये कौन सा टर्म्स हुआ फ्यूचर टर्म्स हुआ। अरे मोहन विल डू अगर मोहन विल डू अगर फ्यूचर टेंस है तो मोहन विल हैव भी फ्यूचर टेंस है, जोड़ दे रहे हैं कि विल हैव और शैल हैव देख करके फ्यूचर परफेक्ट में कहना, अभी परफेक्ट नहीं हुआ, परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अभी है क्या आज उसके ठीक पहले क्या लिखा हुआ हुआ, हुआ की अंग्रेजी क्या होगी ये पता करना। अब पहले ये पता करो हुआ शब्द बना किससे, होने से, होने की अंग्रेजी बी, बी माने होना कि हुआ, जब इसका हुआ हुए अर्थ जाएंगे पहला कंसेप्ट पढ़ो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ होती है, तो बी माने होना इसका हुआ हुए अर्थ जाने के लिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल करनी पड़ेगी, जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे बन गया क्या परफेक्ट, देखो बिल्कुल कर्णानुसार चल रहा है। आई एम स्किप ठीक पहले क्या लिखा लिख रहा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और रहा रही रह सकती है, तो जिस क्रिया में रहा रही रह लगा उसी की प्रोग्रेसिव वर्ब ना दो, लिखना के लिए राइट राइट में रहा रही रह लगा नाम क्या है प्रोग्रेसिव वर्ब, काम क्या है कंटिन्यूअस, बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा भो, बोलो बेटा इतना जो लिखा है इसका हिंदी अनुवाद क्या है बताया किसी ने, नहीं बता चुके हम, हाँ बेटा क्या बना, मोहन लिखता रहा होगा, अगर यह ट्रांसलेशन हिंदी में है तो अंग्रेजी उसकी यही बनेगी, मोहन लिखता रहेगा या लिखता रहा होगा, लिख रहा लिखता रहा होगा, मोहन लिख रहा होगा नहीं मोहन लिखता रहा होगा, बस बन गया। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ब्रदर, मैं की अंग्रेजी इन द रूम, से की अंग्रेजी यहां क्या लगा सिंस, हमने लगा दिया फ्रॉम, फ्रॉम टेन ओ क्लॉक, सब कुछ बता चुके एक बार फिर, यह वाक्य पाठक ने बनाया, ले गए गुरुजी के पास, गुरुजी देखो एक वाक्य बनाया सही है गलत है, गुरुजी ने पढ़ा कि मोहन विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू द इन द रूम, वेरी गुड, जहां से फ्रॉम पे पहुंचे गुरुजी ने हौंक मार दिया घंटा कहा गधाओ यहां फ्रॉम नहीं लगेगा क्या लगेगा सिंस, लड़के ने कहा गुरुजी सिंस
सिंस क्यों लगेगा ये? तो उन्होंने कहा निश्चित समय है इसके, उसके पहले क्या लगेगा सिंस लगेगा। लड़के ने कहा गुरुजी एक जगह किताब में हमने पढ़ा है कि निश्चित समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है, और उसने गुरुजी से एक बात पूछ लिया, ही ग्रांटेड मी ए लीव फ्रॉम 10 o'clock। बताइए गुरु ये सही मत। तो गुरुजी अगर कुछ जानकार होंगे तो कहेंगे यहां सही। अब लड़के के दिमाग में प्रश्न, लड़की की तरफ से प्रश्न बनेगा, यहाँ फ्रॉम 10 o'clock सही है और यहाँ फ्रॉम 10 o'clock लगाया तो आपने घंटा दे दी। वह जानना चाहता है गुरुजी क्या कहना चाहते हो बताओ, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ फ्रॉम 10 o'clock सही है और यहाँ करे फ्रॉम 10 o'clock गलत है। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम तो जाना चाहो, गुड बता चुके हैं दो बार, एक बार फिर लास्ट फिर। महाभारत में दो योद्धा थे, एक का नाम था अर्जुन, दूसरे का नाम था अश्वत्थामा। दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने दोनों को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे और अश्वत्थामा भी, दोनों ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन वहां दोनों में एक अंतर था। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था और घर से ब्रह्मास्त्र आ रहा तो रोकना भी जानता था, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे लेकिन रोकना नहीं जानते। अंतर यही है, फ्रॉम अर्जुन है, यह निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी कर देता है। फ्रॉम के बाद या तो टू लगा होगा या टू का भाव होगा, ले यह अर्जुन है, लेकिन सिंस जो है यह अश्वत्थामा है, यह निश्चित समय की शुरुआत तो करना जानता है लेकिन अंत करना नहीं जानता। चूंकि कार्य जो है इस वाक्य में जारी है और फ्रॉम क्या करता है, कार्य का अंत कर देता है, इसलिए यहां पर फ्रॉम का प्रयोग गलत है, सिंस होगा। लेकिन यहां फ्रॉम सही है क्योंकि यहां प्रोगेसिव फॉर्म नहीं लगी, देखो इसका मतलब यहां फ्रॉम सही है और यहां सिंस सही है। वाक्य सही हो गया नहीं? नहीं बेटा, अभी नहीं। सिंस और एट बताया था, सिंस और एट के बाद अगर गिनती लिखनी है तो वह शब्दों में नहीं होगी, किसमें होगी? अंकों में होगी। 10 आपको ऐसा रखना पड़ेगा। अब से एक चीज और बताइए, यह ओ जो लगा है ये है क्या चीज? बताया गया, हाँ बता चुके दो बार, यह ओ क्या है? ऑफ है। क्या है? ऑफ। इसको टैग वर्ड बोलते हैं, जैसे हम लोग कांट कूडंट स्टूडेंट कहते हैं, उसी ढंग से यह ओ जो है ऑफ है। 10 o'clock घड़ी का 10 हो गया, नेगेटिव बना लोगे। क्या बने बेटा? मोहन विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम सिंस 10 o'clock। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य शर्त के ठीक बात नॉट इंटरनेट का ऑर्डर, हाँ ठीक है। विल मोहन हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम सिंस 10 o'clock। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हाँ बेटा। विल मोहन नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम सिंस 10 o'clock, हाँ बेटा। डबल इंट्रागेटिव, वेरी गुड। व्हाई विल मोहन हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम सिंस 10 o'clock। अब तुम बताओ डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, व्हाई विल मोहन नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम सिंस 10 o'clock। एक वाक्य कितने प्रकार बनेंगे? 6 प्रकार। हम 2 घंटे से बगीचे में मैदान हम 2 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो थोड़ी सी रचना कर लो, क्या रचना करोगे? होंगे को हटा करके खेल रहे हुए रखेंगे, बन गया। सबसे पहले करता सीधे पहुंचो फिर स्टार्ट टन 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 टन, बन गया। हम क्यों जब
गा गे गी के लिए बोलो सैल और वेल, यहां पर क्या लगाए सैल गा, यह वर्ब है घोड़ा क्या थी है? एक बार वर्ब आ गई दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव बोलो रखने के अंग्रेजी हैव की इन्फिनिटिव बनाओ टू हैव, लेकिन टू का क्या हो जाएगा लो वी शैल गो वी शैल प्ले वी शैल सिंग वी शैल डांस वी शैल डू वी शैल बी वी शैल हैव फ्यूचर टेंस में गिवन। अब हुए, हुए के पहले कोई क्रिया है नहीं है तो सोचे या हुए शब्द किससे बना होने से, होने की अंग्रेजी बी, बी माने होना कि हुए, जब इसका हुआ हुए से जाएंगे लगानी पड़ेगी वर्ग की थर्ड फॉर्म, जैसे थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या परफेक्ट, परफेक्ट बन गया। आप खेल रहे, खेलने के लिए प्ले, प्ले में रहा रहे लगा प्लेइंग, नाम क्या है प्रोग्रेसिवल, काम क्या है कंटिन्यूस, बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इतने का अर्थ क्या बोल रहे हम खेलते रहे होंगे, हम खेलते रहे होंगे, बाकी नौटंकी है तो क्रिकेट खेलो चाहे कबड्डी, क्रिकेट इन द फील्ड से कहने जी अनिश्चित समय है फॉर टू आवर्स, वी शैल हैव बना है फ्यूचर वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है बना है परफेक्ट, प्रोक्सिव फॉर्म लगी बना है कंटिन्यूअस। नेगेटिव दौड़ We shall not have been playing cricket in the field for 2 hours. Interrogative. छप कर मारोगे ना? Very good. अब एक concept बताओ। Future perfect continuous tense के जुड़वा वाक्य में, twin sentence में जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे इसके पीछे जो सिखा था वही सिखावड़ा, रवि के आने के पहले रेखा 10 मिनट से रसोई घर में खाना पका रही होगी। रवि के आने के पहले रेखा 10 मिनट से रसोई घर में खाना पका रही होगी, तो कौन कार्य पहले हो रहा होगा, यह कार्य पहले हो रहा है तो इसको बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे बनाएंगे किसमें प्रेजेंट टेंस में। एक वाक्य के दो भाग हैं, जो भाग बाई तरफ होगा उसकी अंग्रेजी पहले की जाएगी बता चुके हैं, तो रेखा 10 मिनट से रसोई घर में खाना पका रही होगी, रचना कर लो होगी कटा करके पका रही हुई रखेगी, बन गया कर्ता सीधे पहुंचो फ्रेशर, बोलो क्या बनेगा रेखा वेल इन्फिनिटिव बनाओ टू हैव, लेकिन टू का क्या हो जाएगा लो रेखा वेल हैव क्या बन गया फ्यूचर, हुई की अंग्रेजी बी, बी माने होना, इसका हुआ बैठने जा रही थी क्या लगाना पड़ेगा, जैसे थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे बन जाएगा क्या परफेक्ट, पका रही कुक में लगा दो आईएनजी कुकिंग प्रोग्रेसिव फॉर्म कंटिन्यूअस, बन गया फ्यूचर परफेक्ट, क्या बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ, रेखा पकाती रही होगी, द फूड इन द किचन फॉर टेन मिनट्स पहले के बिफोर रवि आता है, रवि कम्स
नेगेटिव इंट्रोगेटिव छपका मान लो बन गया रेखा विल हैव बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर 10 मिनट्स बिफोर रवि कम्स पक्का एक बात की छपकार मारोगे वेरी गुड यह हमने अभी आपको टेंस के बारे में बताया अब बाहर से लड़कों की डिमांड आ रही है हम तो इसलिए शुरू कर दिए कि जो देहाती क्षेत्रों में हमारे स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं अच्छे ढंग से उनके लिए सब बच्चों ने प्रेरणा दिया हम तो पढ़ा रहे थे इसे भाई लेकिन बच्चों ने प्रेरणा दिया कि सर जी जो आप पढ़ाते हुए कहीं पर है नहीं तो किताब में है नहीं तो आप जो है इसको थोड़ा सा पब्लिक कर दीजिए तुमने कहा ठीक है तो अब कुछ लड़कों की डिमांड आ रही है कि गुरु जी SSC वगैरह का इम्तहान कंपटीशन का आप सामने है तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट नेगेटिव में ज़रूरी है तो हमने कहा कि ठीक है अगले एपिसोड में हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे ओके थैंक यू।